नमस्कार, आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमा की ओर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अद्भुत विषय के ऊपर, जो कि नीम करौरी बाबा और दसवें आयाम से संबंधित है। नीम करौरी बाबा, जिन्हें उनके भक्त बाबा जी के नाम से भी जानते हैं, भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए हैं, जिनकी शिक्षाएं और चमत्कारों ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। तो आइए उनके रहस्यमय जीवन और दसवें आयाम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबा नीम करौरी जी के जीवन के परिचय के विषय में। नीम करौरी बाबा, जिनका जन्म 1900 के दशक में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था, बाबा जी ने अपने जीवन में कई चमत्कार दिखाए हैं और वे अपने भक्तों के बीच अपनी करुणा, सादगी और असीम प्रेम के लिए जाने जाते थे। बाबा जी का मानना था कि भगवान हर जगह हैं और भक्ति से ही उनका साक्षात्कार किया जा सकता है। उनके भक्तों में कई प्रसिद्ध लोग शामिल हैं, जैसे स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट्स। बाबा जी का मानना था कि मनुष्य अपने भीतर की आत्मिक संसार से जुड़कर उच्च आयामों को अनुभव कर सकता है। आइए अब बात करते हैं दसवें आयाम के विषय में। आयाम क्या होते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक आयाम को स्पेस और टाइम का एक हिस्सा माना जाता है। हम तीन आयामों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और हम तीन चीजों को बड़ी ही अच्छी तरीके से पहचानते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई और गहराई। चौथा आयाम जो है वो समय है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो आयामों का अर्थ और भी गहरा है। पांचवें, छठे, सातवें और दसवें आयाम तक पहुंचने का अर्थ है चेतना का विस्तार। दसवें आयाम को अक्सर परमात्मा की शक्ति का केंद्र माना जाता है, जहां आत्मा का मिलन सर्वोच्च सत्य से होता है। इसे ऐसा आयाम माना जाता है जहां आत्मा का जुड़ाव सीधा ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से होता है। कुछ साधक मानते हैं कि यह आयाम केवल गहन ध्यान, साधना और गुरु कृपा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। नीम करौरी बाबा जैसे महापुरुष इन उच्च आयामों में पहुंच चुके थे और वो अपने भक्तों को भी इस दिशा में प्रेरित करते रहते थे। आइए अब बात कर लेते हैं नीम करौरी बाबा और दसवें आयाम के संबंध में। नीम करौरी बाबा को कई लोगों ने अद्भुत चमत्कार करते हुए देखा था। उनके भक्तों का मानना है कि बाबा जी ने दसवें आयाम का साक्षात्कार किया था और इसी कारण उनकी उपस्थिति में लोग अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव करते थे। बाबा जी ने हमेशा आत्मा के परमात्मा से मिलन की बात को कहा। उन्होंने बताया कि दसवें आयाम में पहुंचकर ही हम सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। उनके अनुसार यह आयाम हमारे भीतर ही होते हैं, हमें केवल अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। बाबा जी ने अपने जीवन में ये सिखाया कि आत्मा का अनुभव किसी भी सांसारिक सुख से बढ़कर है। आइए अब बात कर लेते हैं दसवें आयाम की प्राप्ति के मार्ग कौन कौन से हैं, कैसे दसवें आयाम को प्राप्त किया जा सकता है। बाबा जी के अनुसार दसवें आयाम की प्राप्ति साधना और भक्ति से होती है। उन्होंने कई साधकों को साधना का मार्ग दिखाया, जो ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से चेतना को उच्चतर स्तरों तक ले जाता है। ध्यान, प्रेम और सेवा, ये तीन मार्ग दसवें आयाम की ओर ले जाते हैं। बाबा जी ने यह भी कहा कि गुरु का महत्व इस यात्रा में विशेष होता है। गुरु ही साधक को मार्ग दिखाकर उसे परमात्मा की ओर ले जाते हैं। आइए अब बात करते हैं बाबा जी के संदेश और उनकी प्रेरणा के विषय में। नीम करौरी बाबा ने हमेशा प्रेम, सेवा और त्याग पर जोर दिया। उन्होंने ये सिखाया कि दूसरों की सेवा करना आत्मा की सेवा करने जैसा है। उन्होंने सिखाया कि जो लोग अपने भीतर की शांति को खोज लेते हैं, वे ब्रह्मांड की अनंतता से जुड़ जाते हैं। उनका यह संदेश था कि हर व्यक्ति दसवें आयाम की शक्ति का अनुभव कर सकता है, बस उसे अपनी चेतना को गहरे और शुद्ध बनाने की आवश्यकता है। बाबा के भक्तों का कहना है कि उनका मार्गदर्शन आज भी उन्हें महसूस होता है और बाबा जी का आशीर्वाद उन्हें अपने जीवन में प्रेरणा देता है। नीम करौरी बाबा का जीवन हमें सिखाता है कि हम भी अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं और ब्रह्मांड की अनंतता को महसूस कर सकते हैं। दसवा आयाम हमारे भीतर ही है, हमें केवल इसे खोजने की आवश्यकता है। अपने मन में चेतना की खोज करते हैं, दूसरों की सेवा भाव का भाव रखते हैं,
ऐसे अनन्य भक्त को सभी आयामों के अनुभव धीरे धीरे होने लग जाते हैं। और इसे यूं कहा जा सकता है कि जैसे जैसे आपके अंतर मन में आयामों का स्तर बढ़ते रहता है, उसी प्रकार से आपकी चेतना, आपकी सोचने की शक्ति और आपके व्यवहार करने की शक्ति में भी संचार पैदा होता है। जैसे जैसे आप अंतर मन से इन आयामों को प्राप्त करते जाते हैं, वैसे वैसे दिव्यता आपके मस्तिष्क में, आपके विचारों में, आपके हृदय में, आपके दृष्टिकोण में हर जगह वास करने लगती है। और ऐसा अनन्य भक्त महाराज जी से और ब्रह्मांड के समस्त आयामों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने लगता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी सगे संबंधियों तक ये वीडियो साझा करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल पर ऐसे और भी गहरे विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने के साथ साथ समय हो गया है प्रार्थना का भी। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।